लोगों को कोरोना वैक्सीन अधिक से अधिक संख्या में लगवाने को प्रेरित करने के लिए जिला रूपनगर पुलिस द्वारा साइकिल राइड का आयोजन किया गया। 15 किलोमीटर की इस साइकिल राइड को जहां लोकसभा क्षेत्र श्री आनंदपुर साहिब से सांसद मनीष तिवारी व जिला पुलिस प्रमुख डॉक्टर अखिल चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, वहीं ये दोनों भी इस राइड का हिस्सा बने। सतलुज दरिया रूपनगर के हेडवर्क से शुरू हुई इस साइकिल राइड में रूपनगर के पत्रकारों के साथ साथ बड़ी संख्या में अन्य युवाओं ने भी हिस्सा लिया। इस बारे में और जानकारी देते जिला पुलिस प्रमुख डॉक्टर अखिल चौधरी ने कहा कि आज की इस साइकिल राइड का मुख्य उद्देश्य युवाओं को अपनी फिटनेस के लिए जागरूक करना और साथ ही सरकार द्वारा कोरोना महामारी को देखते चलाई जा रही कोरोना वैक्सीन मुहिम करवाने के प्रति जागरूक करना भी था। सुने क्या कहा जिला पुलिस प्रमुख डॉक्टर अखिल चौधरी ने सिटी हलचल से बात करते हुए। रोपर पुलिस वालों आज मंडे मॉर्निंग मिनी साइकिलथॉन रखी गई थी। इस पार्टिसिपेंट्स लिमिट जो है 40 रख के कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के नाल पर ये इनिशिएटिव लिता है ताकि इस कोविड के औखे समय से आप एक साल तो ज्यादा जो जद्दोजहद कर रहे हैं। इसका साइकिलिंग का प्राइमरी मैसेज यही सीगा कि फिटनेस से वेलनेस से लोग जागरूक हो जो प्रशासन वालों एक मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव जो है शुरू की गई है उसते लोग वध तो वध पार्टिसिपेट करन। मैं रोपड़ के रेजिडेंट्स नूं यही अपील करांगा, हाथ जोड़ के बिनती करांगा कि जो सरकार वालों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैगा जो 45 साल तो वध जो कोई भी अपनी वैक्सीन कराना चाहता है वो सरकारी फैसिलिटी से कभी भी करा सकता है। कल 13 तारीख विसाखी के मौके पर प्रशासन वालों मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव की जा रही है। मैं दोबारा यही अपील करांगा कि मैक्सिमम लोग इस अपनी वैक्सीनेशन करान ताकि सबकी सेफ्टी सिक्योरिटी हेल्थ वाइज जो है इस चीज का एक किया जा सके। इस मौके पर लोकसभा सदस्य मनीष तिवारी ने सिटी हलचल से बात करते हुए क्या कहा जे भी सुने। देखो एक कोरोना की जिहड़ी दूजी लहर आई है ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि 1918 दे विच जदों स्पैनिश फ्लू आया सीगा ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਸਵੇਰੇ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, SSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਤਿਹਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਾਓ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 45 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਿਟੀ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਰੂਪਨਗਰ ਸੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे बापू गंगादास जी TVS शोरूम कीरतपुर साहिब। यहाँ से TVS की कोई भी गाड़ी खरीदने पर मिलेंगे 3 आकर्षक उपहार। नकद गाड़ी खरीदने पर 2500 रुपए की छूट, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, 4500 का भुगतान कर कोई भी गाड़ी ले जाएं अपने घर, 5 साल की इंश्योरेंस, 5 साल की वारंटी व 2 साल तक निःशुल्क सर्विस की सुविधा के साथ और भी कई लाभ पाएं। यह मौका हाथ से न जाने दें और पहुंचे TVS गाड़ी खरीदने के लिए TVS शोरूम बापू गंगादास जी कीरतपुर साहिब। वसीम गारमेंट मेन मार्केट वाली दुकान बदल कर अब नंगल भाकड़ा मुख्य मार्ग पर खुल गई है। यहाँ आपको मिलेंगे बच्चों से लेकर लेडीज बच्चांस के एक से बढ़कर एक खूबसूरत डिजाइनों के ब्रांडेड कपड़े, वह भी होलसेल रेट पर। तो जरूर एक बार सेवा का मौका दे क्योंकि एक बार आओगे तो बार बार आओगे, यह दावा है वसीम गारमेंट्स का। वसीम गारमेंट 82 हिलव्यू एनक्लेव भाकड़ा रोड। संपर्क करें फोन नंबर 94634 9376 85560 88974। सारे नगर निवासी अरदास बेनती करते हैं कि सानू एक बारी सेवा का मौका दो और बाजार नालों सस्ते दाम पे हर आइटम मिलेगी,